हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इन्फिनिटी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था 2020 के क्वेश्चन पेपर सेट वन, जिसका कोड था 430/2/1। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर कोड 430/2/1। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है बहुत ही स्टैंडर्ड है, पहले वाले सेट से बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड पेपर है। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट है इसमें, तो जो बच्चे पहले वाले देखे होंगे लेक्चर पूरा, मतलब हम लोगों ने 4 लेक्चर या 5 लेक्चर में पूरा वीडियो कंप्लीट किया था, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत थी हर एक चीज में, क्योंकि फर्स्ट वो पेपर था। तो वो पेपर अगर आपने देखा है, सॉल्यूशन देखा है, कॉन्सेप्ट देखा उसके पीछे का, तो ये पेपर आपको करने में बहुत ही आसानी होगी। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब जो है पेपर आपका मार्च में होने वाला है, बहुत मिड ऑफ मार्च में होने वाला है, बहुत ही कम टाइम रह गया। बट अभी भी आपके पास जो बच्चे वीक है मैथमेटिक्स में उसके पास भी, और जो अच्छे हैं उसके पास भी एम्पल टाइम है कि अपने मार्क्स को स्कोर कर सके, अपना मार्क्स अच्छा कर सके। देखिए, अगर आप चैप्टर वाइज करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, अगर आप ये क्या कहते हैं इसमें हम करते हैं सेट वाइज करते हैं, तो आपका ओवरऑल पूरा मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ओवरऑल सेट का प्रैक्टिस करें, और ऐसे वैसे सेट का प्रैक्टिस नहीं करें जो कि कोई पब्लिकेशन ने छाप दिया। आपके पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड पेपर, बहुत सारे स्टैंडर्ड पेपर है सीबीएसई द्वारा, जो है कि आप सीबीएसई के साइट पर जाएंगे, वहां से आप क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब सेट है, मतलब 2017 से लेकर 2022 तक आप देखेंगे तो बहुत सारे सेट है। अगर आप इसे कर लेते हैं तो पूरा का पूरा मतलब आपको 100% मार्क्स आप ला सकते हैं इस चीज में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। इसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन यहाँ पे देख के बताऊंगा सिस्टम पे, और यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर हमें फाइंड करना है, दैट डिवाइड 245 एंड 1029 लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कभी कभी एमबीए के पेपर में भी इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, आईआईटी जेई में भी पूछा जा सकता है ये सब क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दो नंबर गिवेन है हमारे पास बच्चों, ठीक है, कौन कौन सा नंबर है, नंबर है 245 और 1029। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो सबसे बड़ा हो, पहला तो ये मतलब हाईएस्ट होना चाहिए नंबर, ठीक है, हाईएस्ट नंबर होना चाहिए, क्या हाईएस्ट सबसे बड़ा हो, उस बड़े नंबर से अगर इसे डिवाइड करें और इसे डिवाइड करें तो दोनों केस में रिमाइंडर 5 आना चाहिए। चलिए तो अगर रिमाइंडर 5 आता है, ठीक है, दोनों केस में डिवाइड करने के बाद, तो अगर हम रिमाइंडर जो शेषफल है दोनों नंबर से घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 240 और ये हो जाएगा 1024, ठीक है, 1024। अब क्या मतलब हो गया इसका, मतलब कि जो हाईएस्ट नंबर था वो इस दोनों को पूरा पूरी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है, मतलब वो हाईएस्ट नंबर दोनों का कॉमन फैक्टर होगा। तो बेसिकली हमें निकालना है 240 और 1024 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट, एचसीएफ निकालना है बच्चों। अगर यहां पे रिमाइंडर चेंज हो जाता, यहां 5 होता और यहां 10 होता, या अलग अलग रिमाइंडर होता, तो भी हमें माइनस करना होता और जो नंबर आता उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता। चलिए, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम लोग इक्विट एल्गोरिज्म की यूज करेंगे, और हमने प्रीवियस क्लास में वहां पे गलती भी हुआ था, तो आप वहां पे उसे सही भी कर लेंगे। हम कोसेंट नहीं डिविजर लिखते हैं, तो इक्विट एल्गोरिज्म को यूज करने वाले हैं, और वहां से हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो इक्विट एल्गोरिज्म में हम लोग क्या करते हैं, तो जो दोनों में बड़ा नंबर होता है, ध्यान से देखें बड़ा नंबर कौन सा है, 1024, इसको हम छोटे वाले नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यहां पे हमारा कोसेंट आएगा और यहां पे हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। तो चलिए जी, 240 से हम लोग 1024 को डिवाइड करते हैं, तो कितने बार में, 4 बार में कर लेते हैं, 4 0 4 4 16 6 8 में 1 और 4 2 8 9 60 हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया, 12 में से 6 गया ये 6 हो जाएगा, और ये 12 में से 6 गया 6 हो जाएगा, तो 64 बच जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि 240 मल्टीप्लाई बाई 4 और ये हो गया 64, ठीक है। हमारा एचसीएफ कब आएगा, एचसीएफ तब आएगा जब हमारा जो रिमाइंडर वाला पार्ट है वो जीरो हो जाए। अच्छा, अब ये हमारे पास नंबर क्या आ गया, ये वाला डिवीजन और ये वाला रिमाइंडर,
अगेन हम लोग जो डिविजर आएगा इस वाले केस में, इस डिविजर को हमें किसे डिवाइड करना होगा, रिमाइंडर से, 64 से, और फिर से हमें रिमाइंडर लिखना होगा। तो अगेन 64 को डिवाइड करते हैं हमें, 240 को हम 64 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में हो जाएगा, देखें चार बार में करेंगे तो चार बार में तो अधिक हो जाएगा, क्योंकि 240 तो तीन बार में करते हैं, तीन बार में करेंगे, चार तिया बारह के दो हाथ में एक, छेत्री का 18, एक 19, 192 हो गया, घटाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, 13 में से 9 गया 4 हो जाएगा, कितना बच्चे हो गया यहाँ पे 48, ठीक है। सो वी कैन राइट हियर 240 इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 48, अगेन रिमाइंडर जो है हमारा 48 आया, रिमाइंडर हमें चाहिए 0। चलिए आगे करेंगे, फिर 64 को हमें 48 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा और रिमाइंडर लिखना होगा। चलिए कर लेते हैं, 48 को 64 से हम लोगों ने किया, एक बार में चला जाएगा 48, 14 में से 8 जाएगा 6 और 5 में से 4 जाएगा 1, 16, ठीक है, 16 आ गया। सो वी कैन राइट हियर दिस वन टू 16, ओके 16। अब हमारे पास क्या आ गया, 48, तो अगेन हम 48 को किससे डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड किया, कितने बार में, वन बार में, और रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अब इस केस में जहां पे हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है, उस केस में जो डिवीजर होगा, देखिए ये ब्रैकेट में कोसेंट है, ठीक है, कोसेंट है, जो डिवीजर होगा ये, ठीक है, ये डिवीजर हमारा HCF कहलाएगा। आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा। सो दिस इज हमारा, ये हमारा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, राइट। और अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का बी ऑप्शन सही है हमारा यहाँ पे, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं, ऑब्जेक्टिव पे। देखिए एग्जाम्पल सिर्फ सॉल्यूशन करना ही नहीं, हर एक चीज के पीछे का रीजन और जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट में कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आपका आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, क्लास गिवन है, ध्यान से देखेंगे, क्लास और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। अब यहां पे बच्चों क्या कह रहा है, क्लास जो है 0 से 5 है, 0 से 5, 5 से 10, ठीक है, 0 से 5 ग्रुप डाटा है, 5 से 10, 10 से 15, ठीक है, 15 से 20, 15 से 20 और 20 से 25, ये क्लास गिवन है, ओके समझ में आ रहा है, क्वेश्चन ऊपर में फ्लैश भी हो रहा है और इसका फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, 10, 10 के बाद है 15, 12, 20, 9, 15, 12, 20, 9। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है द सम मतलब जोड़ ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास, मतलब मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास, ये दोनों क्लास हमें पहले निकालना होगा, इसका जो लोअर लिमिट है उसका जोड़ कितना होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो मॉडल क्लास हम लोगों ने देखा था कि वो क्लास जिसका, वो क्लास इंटरवल जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो उसे हम मॉडल क्लास कहते हैं। तो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी किसमें सबसे अधिक है, इसमें 10 है, इसमें 15, इसमें 12 और इसमें 20 है, ठीक है, सबसे अधिक मॉडल ये है फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगा बच्चों, इसका 15 से 20, ठीक है, ये वाला 15 जो है लोअर लिमिट हो जाएगा और ये हमारा अपर लिमिट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हमें मीडियन क्लास निकालना, और मीडियन क्लास कैसे निकालते, ध्यान समझेंगे, जब मीडियन क्लास निकालने की बात होती है तो हम लोग क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालते हैं। क्या होता है क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, देखते जाइए, जैसे ये 0 से 5 के लिए 10 है तो 5 से 10 के लिए ये 15 और 10 ऐड कर देंगे 25, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में, फिर यहां पे 25 आ गया, 25 में 12 ऐड करेंगे तो कितना बच्चा हो जाएगा 27, 27 में फिर 20 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 15 प्लस 12 ये 37 हो जाएगा और 37 में से 20 ऐड करेंगे फिर से तो ये हो जाएगा 57 और 57 में 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 66, कितना हो गया 66, ओके। अब यहां पे जो देखिए मतलब ये है कि 10 5 15 25 25 12 27 27 20 27 सॉरी
10, 15, 25, 25, 12, 37, 37, 20, 57, 57 और 9, 66. तो ये हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी हो जाता है, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा. इस तरह से हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का अंत में जो आएगा नंबर वो टोटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा. तो ये जो एन निकलेगा तो एन को आधा करेंगे मीडियन क्लास निकालने के लिए. फॉर मीडियन क्लास एन बाई टू, ध्यान से देखेंगे कितना हो जाएगा, इज 66 डिवाइड बाय एन बाय टू. 66 डिवाइड बाय हाउ मच, 66 डिवाइड बाय टू आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 33. कितना हो गया, 33. ओके, अब ये जो एन बाय टू जो 33 आया, इससे बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन कौन सा है, ये वाला और ये वाला, तीनों फ्रीक्वेंसी इससे बड़ा है. तो हमें कौन सा फ्रीक्वेंसी लेना है, वो वाला फ्रीक्वेंसी लेना है जो जस्ट बड़ा हो, जस्ट बड़ा हो. ऐसा नहीं है कि देखिए जैसे 33 है, 33 के जस्ट बड़ा क्या, 37. तो 37 हमारा क्या हो जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. और ये 37 का जो मीडियन क्लास होगा, जो क्लास होगा क्लास इंटरवल, वो मीडियन क्लास कहलाएगा. मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आएगा टोटल फ्रीक्वेंसी, उसका हाफ करेंगे और उसके हाफ से जस्ट बड़ा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो क्लास इंटरवल होगा, दैट इज क्या कहलाएगा हमारा, मीडियन क्लास. तो मीडियन क्लास क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे 10 और 15. ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडल क्लास क्या होता है. वो क्लास मॉडल क्लास तो इजी है, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है. और मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी आएगा उसका हाफ करेंगे, और वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो जस्ट इस हाफ से बड़ा होगा वो हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा. तो मीडियन क्लास दोनों का सम कह रहा है, लोअर लिमिट का सम कह रहा है क्वेश्चन में, इसका और इसका सम, तो ये हो जाएगा हमारा 25. ठीक है, हो गया. देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सर एक नंबर का क्वेश्चन है, इतना करना पड़ेगा इतना करना पड़ेगा. बेसिकली यही सारा कॉन्सेप्ट आगे वाले क्वेश्चन में आने वाला है. तो जब भी आपके पास इस तरह का पेपर है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का पूरा कोशिश कीजिए कि हाँ हो जाए, क्योंकि यही चीज आगे आपको इसी पेपर में मिलेगा बहुत बार. चलिए आगे चलते हैं. दो नंबर क्वेश्चन हो गया. दो नंबर के बाद है क्वेश्चन नंबर 3. थोड़ा सा बोर्ड को इरेज कर लेते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है. देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द टू टेंजेंट इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्किल. प्रीवियसली हम लोग प्रीवियस सेट में भी इस तरह क्वेश्चन किए थे. आर ड्रॉन टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज, हिंदी में भी मैं पढ़ देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है. यदि 60 डिग्री पर झुकी दो स्पर्श रेखाएं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची जाती है तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी, ये कह रहा है क्वेश्चन में. चलिए तो एक हमें सर्किल को ड्रॉ करना होगा. चलो जी हमने यहां पे एक सर्किल को ड्रॉ कर दिया, ठीक है. इस सर्किल का रेडियस दैट इज त्रिज्या गिवन है, चलिए वो देख लेंगे कितना है. ओके, इससे दो स्पर्श रेखा हम लोग खींच लेते हैं. खींच लिया हमने दो स्पर्श रेखा, ये कहीं पे कट करेगा दोनों स्पर्श रेखा, तो मान लेते हैं. तो ऐसा कुछ पॉइंट गिवन नहीं है, तो ये हमारा है कितना बच्चों, ये है हमारा मान लेते हैं पॉइंट पी. लेकिन ये गिवन है कि ये एंगल जो है कितना है, 60 डिग्री. कितना है, 60 डिग्री है, या 60 डिग्री गिवन है. और ये जो है हमारा सेंटर से इसको ज्वाइन कर देंगे, कर दिया हमने ज्वाइन सपोज यहाँ पे, तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा जो कि गिवन है. अब कह रहा है कि ये जो लेंथ है मान लेते हैं ये एम एन ओ, ठीक है बच्चों. ये जो लेंथ है पी एम और पी एन, ये दोनों बराबर होगा, हम लोगों ने प्रीवियसली इसको देखा था, ठीक है. तो ये लेंथ कह रहा निकालने के लिए. चलो जी अगर हमें लेंथ निकालना, तो एक चीज आपको यहां पे समझ में आ गया होगा कि ये जो एंगल है ये क्या है हमारा 90 डिग्री, और ये हमारा क्या है 90 डिग्री. क्यों, क्योंकि जो स्पर्श रेखा होती है अगर हम रेडियस को ड्रॉ करेंगे, जिस जिस पॉइंट पे रेडियस आएगा वहां पे अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे दैट इज टेंजेंट लाइन, तो वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है. इसके बाद प्रीवियस वाले सेट में हमने ये देखा था कि यहां से अगर इसको हम लोग मिला देते हैं तो ये हमारा बन जाता है क्या चीज, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा. तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, बराबर बराबर, तो ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, ठीक है, हो गया.
अब देखिए ध्यान से क्या निकालना है, ये रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ओके ओके। अब यहां पे ये है एंगल 90 डिग्री, इस 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा ना ये क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा, डेट इज हाइपोटेनस। क्या हो जाएगा ये, हाइपोटेनस, दिस इज हाइपोटेनस ओके। सो और ये जो एंगल है, इस एंगल के सामने वाला जो साइड होगा ये वाला, दिस वन इज नोन एज परपेंडिकुलर, और पीएम क्या हो जाएगा, बेस। सो परपेंडिकुलर जो हो जाएगा ओ एम, ध्यान से देखेंगे ओ एम इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस जो हो जाएगा हमारा, ये हाइपोटेनस एच हो जाएगा ठीक है, जो कि हमें नहीं पता है, और ये जो पीएम है, पीएम क्या हो जाएगा, बेस, बेस हो जाएगा पीएम, जिसका वैल्यू हमें निकालना है, सपोज एल इसका वैल्यू है। अब देखिए परपेंडिकुलर ओवर बेस, एंगल गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस रिवर्स चलेंगे ठीक है, टेन थीटा के एंगल में आएगा। सो दिस इज टेन थीटा, वी कैन राइट हियर टेन 30 डिग्री, सो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, सो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, रेडियस दैट इज 3 सेंटीमीटर ओवर बेस, बेस है एल जो कि हमें निकालना है, और टेन 30 डिग्री का मान याद होना चाहिए 1/√3, सो 3 सेंटीमीटर डिवाइड बाय एल, और हम यहां पे क्या करने वाले, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एल इज इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर। सिंपल सा एप्लीकेशन था इस क्वेश्चन में, और ध्यान से देखेंगे जब हम इस क्वेश्चन को एप्लीकेशन किए थे ठीक है, तो ये सारा कुछ करना पड़ा था ठीक है, टेन थीटा आया था, पेपर थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप का है ये, मतलब थोड़ा सा आपका अगर ये पेपर करते हैं ना तो आपका जो है एबिलिटी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सोचने का, वो बढ़ जाएगा राइट। चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर हमारा था थर्ड, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है और ये क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अब देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग यूज कैसे सॉल्व करते हैं राइट। क्वेश्चन है ये, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1095 डिवाइड बाय 1068, 1095 डिवाइड बाय किसका है, 1168। अब कह रहा है भाई इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का मतलब है कि इसको काटना होगा ठीक है, और काटना होगा तब तक काटना होगा जब तक ये कटे नहीं, लेकिन यहां पे पता ही नहीं चल रहा है कि किस नंबर से ये कटेगा, तो हमें अधिक से अधिक वो नंबर फाइंड आउट करना होगा जो दोनों नंबर को पूरा पूरी कट कर दे ठीक है। इसका मतलब क्या, अभी अभी हमने देखा क्या निकालना है, HCF। सो इस दोनों का HCF निकालते हैं, चलिए 1068 1168 is equal to 1095 into 1, एक बार में आ जाएगा प्लस, चलो कितना आ जाएगा 1168 and 1095, कितना आ जाएगा ये, 8 में से 5 जाएगा 3, 16 में से 9 गया 7, 73 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा बच्चों, 73 ठीक है, 73 ओके। नाउ अगेन 1095 को हमें किससे करना होगा, 73 से 1095 को डिवाइड करना होगा, 73 वन जा 73, और ये हो जाएगा 9 में से 3 जाएगा 6 10 में से 7 जाएगा 3, और ये 5, और ये 365 आ जाएगा, तो 73 5 जा 3 5 15 के 5 हाथ में 1, और 7 5 35 से 36, चलो जी ये 0 हो गया ठीक है। सो 1095 को लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे डिवीजर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, डिवीजर आ गया 73 यहाँ पे 73 करना होगा, कोसेक क्या आ जाएगा 15 प्लस 0, इसका मतलब क्या है कि ये जो 73 है
ये HCF है दोनों का, HCF मतलब ये 73 से दोनों नंबर पूरा पूरी भाग लग जाएगा। तो अब देखिए HCF क्या हो जाएगा 73। अब 1095 को डिवाइड करो किससे, 73 से। 73 वन जा 73, अभी क्या था तो कितना गया 15, तो 1095 को लिख सकते हैं, 1095 को लिख सकते हैं 73 मल्टीप्लाई बाई 15, और 1165 को लिख सकते हैं 73 मल्टीप्लाई बाई, डिवाइड करके देखेंगे 16 आ जाएगा। जस्ट देखिए इसमें 73 जस्ट ऐड करेंगे तो 63 आ गया, यही 73 प्लस इसमें ऐड किया तो 63, तो एक बार में आ जाएगा। अब ये 73 अब देखिए ये 73 से कट कर रहा है, 73 क्या है, प्राइम नंबर, आप ढूंढते रह जाएंगे, 2 से कट कर रहा है, 3 से कट कर रहा है, 4 से कट कर, मिलेगा ही नहीं, कैसे करेंगे, कहेंगे क्वेश्चन होगा नहीं। तो ये सिंपल सा HCF का क्वेश्चन था, यहां से ये वाला और ये वाला कट जाएगा, आ जाएगा हमारा 15/16, आ गया हमारा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, 15/16 ऑप्शन डी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर फाइव जो है बहुत ही, मतलब ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है, करते हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड, कह रहा है ताश का जो गत्ता होता है, पैकेट होता है पूरा, जिसमें 52 कार्ड होते हैं, सभी को पता होगा, क्लास टेंथ में हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए, कि नहीं पता है तो प्रोबेबिलिटी में जाकर देखिए, पता कीजिए ताश में कितने पत्ते होते हैं, तो ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं, कहां से कहां तक, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और उसके जैक क्वीन एंड किंग, सभी के चार चार कॉपी होंगे, मतलब एग्जैक्ट कॉपी नहीं होंगे, मतलब सभी का शेडेड अलग होगा, ठीक है, किसी का हार्ट होगा, किसी का स्पेड होगा, राइट, किसी का हम कहते हैं पान वाला है, ठीक है, तो वो चार चार का होगा, ठीक है। तो वन टू से कहां तक हो जाएगा, जैक क्वीन क्वीन किंग, यहां 10 होगा, 10 3 13, 13 के 4 तक टोटल 52 पत्ते हो गए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस डेक ऑफ कार्ड से हमें एक जैक निकालना है, क्या निकालना है, जैक, एक पत्ता खींचेंगे और वो जैक निकले, तो जैक, जैक को हिंदी में क्या कहते हैं, गुलाम, ठीक है, तो जैक निकलने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा। तो टोटल नंबर ऑफ, जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि कितने तरीके से वो काम किया जा सकता है, टोटल, पहला कि जैक कितने तरीके से निकलेगा, चार जैक है, ठीक है, तो चार तरीके से निकल सकता है, कोई भी एक पत्ता निकल सकता है, अगर अगर जैक निकलना होगा, और ये टोटल काम कितने तरीके से हो सकता है, मतलब 52 पत्ते में से एक पत्ता निकालना है, ठीक है। सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 52, 52 पत्ते में से कोई भी एक पत्ता निकल सकता है, मतलब 52 तरीके से यह काम किया जा सकता है, क्या, कोई भी एक पत्ता निकलने का। लेकिन जो हमारा इवेंट है इवेंट क्या है कि वो जैक निकले, जैक कितने तरीके से निकल सकता है, चार पत्ते हैं तो चार तरीके से निकलेगा, तो चार, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक, यहां पे आप इवेंट लिख सकते हैं, ई इज इवेंट, गेटिंग अ जैक इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोबेबल इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ओके। सो नंबर ऑफ प्रोबेबल इवेंट इज 4 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 52, डिवाइड कर देंगे 4 by 4, ये तो सिंपल सा कट जाएगा 1/13। सो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बच्चों, इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/13, और ऑप्शन में यहां पे ऑप्शन सी करेक्ट है। तो आई थिंक आपको ये 5 क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा। एक बार मैं यहां पे वीडियो को पॉज करता हूं, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा अब, जिसमें हम नेक्स्ट 5 से 10 करेंगे, ठीक है, 6 से 10 करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।